नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 26 अगस्त 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। यह जानकारी नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित होगी। सबसे पहले जानेंगे आज सुबह का संक्षिप्त पांचांग। सूर्योदय होगा 6 बजे, सूर्यास्त होगा 6:45 पर और चंद्र राशि है वृश्चिक, तिथि है शुक्ल पक्ष अष्टमी, नक्षत्र है अनुराधा, वार है बुधवार, योग वैकृति और अभिजीत मुहूर्त नहीं है। सर्वार्थ सिद्ध योग है 6 बजे से सुबह लेकर 1:05 दोपहर तक। राहु काल है 12:22 PM से लेकर 1:58 PM तक। तो ध्यान रखिएगा, राहु काल में कोई भी अपने शुभ काम मत करिएगा, बाकी शुभ समय में शुभ काम करिए और यह समय आपके शहर और देश के अनुसार कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। राशिफल के बारे में मैं कुछ और चर्चा करूंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो, नहीं तो राशिफल देखकर आप अपना काम चलाइए। बात करते हैं सबसे पहले मिथुन राशि की। काम को लेकर यात्रा हो सकती है, चाहे नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो। व्यापारी वर्ग धीमे धीमे बड़ा लाभ कमाएगा, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। धीमे धीमे आज पैसा कमाइए और तिजोरी भरते जाइए। आप अपने समय का सही प्रयोग करें, ध्यान इधर उधर ना भटकाएं तो बेहतर रहेगा। बच्चे पढ़ाई लिखाई में बढ़िया रहेंगे। आपका शरीर जो है थोड़ा थका थका रहेगा, आलस होगा, थकान होगा, आराम करने का मन करेगा। शरीर की मालिश या थोड़ा सा शरीर का खिंचाव अगर मिल जाए, शरीर को खिंचाव अगर मिल जाए तो अच्छा लगेगा आपको। या खुद स्ट्रेचिंग कर लें या थोड़ा सा मालिश वगैरह कर भी करवा सकते हैं, या ऐसा महसूस होगा कि आपको आवश्यकता है। गुप्त शत्रु हुआ, गुप्त जो दोस्तों के बीच में कई गुप्त शत्रु होते हैं वो आज हानि पहुंचा सकते हैं, उनसे बचना होगा। यानी ऊपर से दोस्त, अंदर से शत्रु, तो ऐसे खतरनाक लोगों से बचना होगा। आपके मन की जो बात है, आपके मन की जो प्लानिंग है, आपकी जो योजनाएं हैं, वो किसी से ना कहें, नहीं तो धोखा खा सकते हैं या खा सकती हैं। आज किसी से भी कोई चीज़ उधार ना लें, ना दें तो बेहतर रहेगा। परीक्षा प्रतियोगिता में मेहनत जरूर करनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ अनावश्यक विवादों से बचें और अनावश्यक साहित्य जो या चीज़ें जो आपको नहीं देखनी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए उनको ना पढ़ें। कार्य क्षेत्र में या कहें व्यवसाय में गुप्त शत्रु प्रहार कर सकता है, आपको नीचे गिराने की कोशिश हो सकती है। व्यवसाय को बढ़िया अगर बनाना है तो मैंने आपको पहले ही कहा, अपना ध्यान व्यवसाय पर केंद्रित करके रखें। व्यवसाय को बढ़िया बनाने के लिए सोच विचार कर काम करें। आज कुछ नया मोड़ आपको देखने को मिल सकता है जो कि सुखद होगा, कोई नया रास्ता दिख सकता है जिससे लगेगा आपको कि व्यवसाय को ऐसा करके और बेहतर बनाया जा सकता है। आशा की नई किरण आप कह सकते हैं आपको दिखाई पड़ सकती है। जो आपसे रूठे हैं उनको मनाने में वक्त लगेगा और कामयाबी पाने के लिए आप जितना अपने शुभ चिंतकों को अपने साथ जोड़ेंगे और जितना अपने गुप्त शत्रुओं से बचेंगे उतना आज आप बड़ी कामयाबी पा पाएंगे और अच्छा दिन बिता पाएंगे। ये गुप्त शत्रु घर से लेकर नौकरी, व्यापार, आस पड़ोस, दोस्ती, यारी, इधर उधर कहीं भी हो सकते हैं या हो सकती हैं किसी भी रूप में, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रेमेडीज की और उसके बाद बात करेंगे आपकी विशेष की। अब हम बात करेंगे लाजवर्द के बारे में। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने जान लिया है कि उसके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। जो लोग आज पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं वो लोग पिछले कुछ वीडियोस देख लें, आपको जानकारी मिल जाएगी और कल सुबह आपको एक और वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम आपको पूरा डिटेल में बता देंगे एक अलग से वीडियो बनाकर। और साथ ही साथ जो एस्ट्रो इनवाइट प्राइम के दर्शक हैं उनको एक दो दिन से उनके सवालों का उत्तर नहीं मिल पा रहा, लेकिन कल या परसों में उनको एक बड़ी वीडियो में सबका एक साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी वीडियो बनाए ताकि जल्दी से लोगों के क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। निराश मत होइएगा, थोड़ा सा वक्त लग रहा है लेकिन चीज़ें जल्द ही आप तक एक दो दिन में आ जाएंगी एस्ट्रो इनवाइट प्राइम पर। उसके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ की तैयारी है कैसे क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं लाजवर्द के बारे में। तो लाजवर्द जो रत्न है, जैसा कि आप जानते हैं, चमत्कारी है, आपके जीवन के अनेक कष्टों को मिटाकर आपको सुख दे सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत बहुत सारे लोगों ने इसकी बुकिंग कराई,
जैसे सात मुखी रुद्राक्ष को बुक कराया था, उससे ज़्यादा ह्यूज आप लोग बुक करा रहे हैं, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है उसको अच्छी तरीके से बनाना और आप तक पहुंचाना, जो कि हम कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के रुद्राक्ष निकल गए, रोज निकल रहे हैं, सबको धीरे धीरे करके मिल रहे हैं और एक दो दिन में सबको मिल जाएंगे, या जो भी समय लग रहा है मिल जाएंगे। तो लाजवर्थ के बारे में मैं ये कह रहा था कि जो जो लोग बुक करा रहे हैं उनको तो शुभकामनाएं कि आपने एक अच्छी चीज़ ली है जो आपके जीवन में अच्छा शुभ दिन लेकर आएगी, शुभ वक्त लेकर आएगी। जिन लोगों ने नहीं लिया है उनसे मैं ये यही कहना चाहूँगा, आप सोच विचार कर रहे हैं तो आप सोचते रहिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, आप जल्दी से बुक करा लें, क्योंकि ये जो स्टॉक होता है ना, ये ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारा होता है, होने को तो पूरी दुनिया में बहुत सारा है, लेकिन एक बेहतरीन और एक अच्छा स्टॉक लिमिटेड होता है। तो अभी जो हमारे पास स्टॉक है ये बहुत बेहतरीन है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, ओरिजिनल है और शानदार है। धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहा है, ख़त्म तो होगा एक ना एक दिन, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी करेंगे उतना आपकी किस्मत में अच्छी चीज़ आ जाएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ऐसा नहीं कि जो लोग बाद में लेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं मिलेगा, उन्हें भी अच्छा मिलेगा, लेकिन लेके अपना काम खत्म करिए और जीवन में एक अच्छी चीज़ को अच्छे समय में खरीद लीजिए। आप में से जो भी लोग इसको लेना चाहते हैं, 2100 रुपये का इसका मूल्य है और 3000 रुपये का जो मूल्य है वो बड़े राजवर्थ का है। जो आपको 2100 में दिया जा रहा है वो 5 से 5.5 रत्ती के बीच में होगा, और जो 3100 का जो आपको दिया जा रहा है वो करीब 8 रत्ती का पीस है, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे फायदा करते हैं। पता आप ये देख लीजिए आपको कितनी बड़ी समस्या है, समस्याएं ज़्यादा बड़ी हैं तो बड़ा ले लीजिए, नहीं तो छोटे से भी काम चल सकता है। और 2100 और 3100 दो रेट हैं, बस आपकी मर्जी है। और आप लोग एल लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें और शीघ्र अतिशीघ्र इसको बुक कराकर अपने जीवन में खुशियां लाने का एक एक क्या कहते हैं इन्विटेशन दे दीजिए। अब आपने ले लिया है तो अब आपको खुशियां मिलेंगी मिलेंगी। बाकी इसके क्या गुण हैं क्या गुण नहीं है ये सब आपको पता है, समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में जो दुख हैं उन दुखों को लगभग लगभग ही समाप्त कर सकता है और जो सुख हैं उनको ला सकता है। तो मैं खास कर उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जिनके घर में नकारात्मक एनर्जीज बहुत है, जो लोग टेंशन में रहते हैं, वो लोग इसको ज़रूर लें, उनको बहुत बड़ा फर्क दिखाई पड़ेगा और बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और बाकी आपके जीवन में कोई समस्या हो तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, और हरिओम नमस्कार।